NMG के सेकंड क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो प्यारे साथियों, चलिए जीके की सेकंड क्लास है। अगर आप NM की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताना है आप लोगों को। ऑप्शन आप लोगों का है यमुना, नर्मदा, चंबल, काली सिंध। तो गाइस कमेंट्स बॉक्स में आप भी कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन वेरी वेरी IMP और मोस्ट IMP है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछने वाले हैं GK पार्ट में। जैसा कि 20 नंबर का आप लोगों को GK पूछने वाला है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका सही उत्तर अगर आप लोगों ने किया है नर्मदा नदी तो बिल्कुल सही किया है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सहदेव, राजगुरु। कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा इस निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या होगा, चंद्रशेखर आजाद होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश में जिन खनिजों की अधिकतम मात्रा उपलब्ध है वे कौन से हैं, हीरा व तांबा, हीरा व लोहा, जिप्सम व तांबा, सोना व तांबा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हीरा व तांबा। जी हाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का, हीरा व तांबा। देखिए हीरा आप लोगों का पन्ना जिले में पाया जाता है और ये आप लोगों का तांबा जो है वो बालाघाट जिले में पाया जाता है। कहाँ, बालाघाट जिले में पाया जाता है, मलाजखंड में। तो ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किन खनिजों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, हीरा व तांबा की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने, मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना, चलिए 7 हो जाएगा। ओके बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, किस बांध के जल का हिस्सा दो राज्यों राजस्थान व मध्य प्रदेश द्वारा प्रयोग किया जाता है, राणा प्रताप सागर बांध, बन सागर बांध या गांधी सागर बांध या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप लोग। बता दूं यहाँ पे जो गांधी सागर बांध है आप लोगों का, उसका जल मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले कौन से हैं। जी हाँ वह जिले जिनमें सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है आप लोगों को बताना है। यहाँ पे इनका सीक्वेंस दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए धार झाबुआ मंडला, ग्वालियर मंडला धार, जबलपुर भोपाल ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोगों को सही लग रहा है, तो बिल्कुल ए आप लोगों का सही हो जाएगा, धार झाबुआ और मंडला, इनमें आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ओके चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं हम लोग। चलिए वित्त वर्ष 2011-12 में मध्य प्रदेश के लिए अंकित किया गया सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक कितना है। तो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट IMP होते हैं और आप लोगों को एग्जाम में पूछते ही है। कमेंट्स बॉक्स में इसका कमेंट्स मुझे जरूर कीजिएगा, इसका उत्तर अभी मुझे नहीं मालूम, बाकी देखिए यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के 2008 के विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, समाज
समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी? तो ये 2008 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है, इसको बताना है आप लोगों को कौन सी सबसे बड़ी पार्टी थी। इसमें नया क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। वैसे मध्य प्रदेश के जो वर्तमान लोकसभा चुनाव हुए थे, जिनमें मोहन यादव की सरकार बनी थी, उनमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही थी, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। बाकी जो है 2008 में आप लोगों का तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे आप लोगों की थी कौन सी? समाजवादी पार्टी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों का, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों के रूप में चिन्हित किया गया है? निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों के रूप में चिन्हित किया गया है? भीमबेटका गुफाएं, खजुराहो मंदिर स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक, ये सभी। तो गाइस जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? रायसेन में है। खजुराहो आपका मंदिर स्मारक कहाँ है? ओके, ये छतरपुर में है। चलिए सांची के बौद्ध स्मारक, तो ये सभी के सभी आप लोगों की किस में? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। हाँ, ये कब शामिल किए गए थे ये भी आप लोगों को पूछ लेगा, तो इसका भी आप लोग पढ़िएगा। ओके चलिए, और मैं क्वेश्चन ला लूँगा बाकी इससे रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के मध्य प्रदेश जी के आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, इस एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ओके चलिए, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। चलिए बता दूँ, इसका सही उत्तर होगा रविशंकर शुक्ल। ओके बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आप लोगों का क्या है। ये रहा, एशियाई शेरों के पुनर्भाव के लिए किस अभयारण्य की स्थापना की गई? कूनो, चंबल, सरदारपुर। चलिए सरदारपुर या घाटीगांव अभयारण्य, तो कौन सा अभयारण्य है जिसका वो यहाँ पे निर्माण किया गया था, स्थापना किया गया था एशियाई शेरों के लिए? ओके तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा कूनो। कूनो अभयारण्य का जो है निर्माण किया गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, कूनो कहाँ है तो वो भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। ओके चलिए, कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य आपका शिवपुर में है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी स्थान क्यों प्रसिद्ध है? चलिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी स्थान प्रसिद्ध है चट्टानों में काटकर बनाए गए पांडवों के मंदिरों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए, जैन मंदिरों के लिए। तो देखिए ये आप लोगों का मध्य प्रदेश में पचमढ़ी क्यों प्रसिद्ध है, तो ये है पांडव गुफाओं के लिए, चट्टानों में काटकर बनाए गए पांडव गुफा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश का ख्याति नाम एथलीट पांसी तोमर किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता था? वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके चलिए, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक, स्टीपल चेज या मुक्केबाजी में? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्टीपल चेज में जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश का ख्यातिनाम एथलीट पांसी तोमर 7 बार राष्ट्रीय विजेता था। ओके तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में सांझा गीत बासदेव भोपा व कलगी तुर्रा किसके प्रकार है? लोक नृत्य है, लोक गायन है, शास्त्रीय नृत्य है या स्थानीय चित्रण है? तो ये आप लोगों का याद रखना है आप लोगों को, क्या है ये? लोक गायन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिएगा, निम्न में से कौन से क्रमशः मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी व पेड़ है? तो आपका जो हो जाता है, पशु क्या है बारहसिंगा है, पक्षी क्या है दूधराज है, और पेड़ क्या है आपका राजकीय तो बड़ है। तो ये ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएं अपनी विशिष्ट खालिस्तान शैली के कारण जानी जाती है? चलिए तो ये आप लोगों का किसके लिए जानी जाती है, तो याद रखिएगा आप, भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, खेल से संबंधित है। ओके चलिए इसको जूम कर लेते हैं। हाँ ओके, निम्न में से किन दो क्रिकेट खिलाड़ियों ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैचों में आखिरी विकेट की जोड़ी के लिए खेलते हुए शतक बनाए थे? ये कुछ आप लोगों का क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है,
ये जोड़ी आप लोग देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है, चंदेरी व महेश्वरी किससे संबंधित है? ये पवित्र स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, या साड़ियों के ब्रांड है, या संगमरमर पत्थर के ब्रांड है? तो जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूँ, चंदेरी और महेश्वरी, ओके चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्या है, साड़ियों के ये ब्रांड है, ओके साड़ियों के चंदेरी और महेश्वरी नाम से साड़ियाँ आती है, ये आप याद रखिएगा। ओके, दोनों ही, चंदेरी अशोकनगर का है, महेश्वरी खरगोन का है। ओके चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ओके, आप लोगों की जीके की तैयारी शानदार करवा दी जाएगी यहाँ पे, अगर आप एनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार 2001 और 11 के मध्य प्रतिशत 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि रही है। ऑप्शन 17.6, 20.3, 21.9, 14.7। तो कितने परसेंटेज रही है जनसंख्या वृद्धि दर 2010 से, यानी 2001 से 11 के बीच में कितने प्रतिशत रही है आप लोगों की जनसंख्या वृद्धि? तो ये आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20.3, कितना 20.3% आप लोगों का रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ये कोई भी बता देगा, 71% पानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का वह जिला जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, हरदा जिला हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त है इकबाल अहमद, पद्मणि तिवारी, महेश पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, इकबाल अहमद। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। तो गाइस सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश से कितनी सीमाएं लगती है, ओके किस किस राज्य की और कितने राज्यों की। तो 5 राज्यों की सीमा लगती है, ये तो आप सभी साथी को मालूम ही होगा। तो इनमें से देखिए कौन कौन से, राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है, तो बिहार की नहीं लगती है। इसका उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का, बिहार। ओके, बिहार की सीमा नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ और गुजरात, ओके इनकी भी लगती है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। तो गैस इसका कमेंट्स बॉक्स में उत्तर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, कर्नाटका होगा। कर्नाटका में सबसे अधिक क्या उत्पादित होती, कॉफी उत्पादक होती है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? चलिए, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए, चितरंजन में है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बोरान के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, फ्लोरीन के ऑक्साइड। चलिए, इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। इसका सही उत्तर मैं बता दूं आप लोगों को, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। साइंस का क्वेश्चन हो गया ये, मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए आप लोग मुझसे पहले। चलिए बता दूँ इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों, तो मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, 46 है। ओके चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस यह थे आज के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन, आशा करता हूँ यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार के शानदार लेटेस्ट वीडियो और एएनएम से संबंधित सभी जीके वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।